एंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मैथ के एक पार्ट यानी कि फ्रैक्शन को समझेंगे कि फ्रैक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, क्या क्या फ्रैक्शन में होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ फिगर बना रखे हैं, इन फिगर को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, इसमें मैंने कितने शेड कर रखे हैं, ये 15 ट्राइंगल है और इस फिगर में मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है हर पार्ट, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और उन 15 पार्ट में मैंने कितने सेट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 पार्ट को मैंने सेट कर रखा है। तो इसको हम किस तरीके से फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग डिनोट करेंगे, तो 6/15, और जो पार्ट रह गए विदाउट बिना सेट वाले पार्ट है उन्हें हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो इस तरीके से हो गए, और ये जो रह गए कितने रह गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम इसे लिखेंगे 9/15, विदाउट शेड वाले पार्ट हुए 9/15, और जो शेड होने में हमने नोट किया 6/15। इस तरीके से हमने फ्रैक्शन को डिनोट कर सकते हैं। जरा इसको देखिए, इसे हम क्या लिखेंगे, 2/8, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 8 सेक्टर में, और 2 शेड किए हुए तो शेड वाले पार्ट को हम बोलेंगे 2/8, और जो विदाउट सेट हैं उन्हें बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6/8। ऐसे ही ये इसमें एक स्मॉल 4 ट्राइंगल में इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये भी मिड का जो ट्राइंगल है इसे हम बोलेंगे, इस सेट वाले पार्ट को बोलेंगे हम 1/4, ऐसे हम क्या बोलेंगे 1/4, और बाकी के हम बोलेंगे 3/4, है ना, ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे 3/4, एक इसको, इन सब तीनों को मिला के 3/4, क्लियर है। ऐसे ही ये भी 2/8 हो जाएगा। 6/15 को हम क्या कहेंगे, 6/15 को 6 को हम कहेंगे न्यूमरेटर, है ना, तो क्या कहेंगे न्यूमरेटर, देखें NUMBERATOR न्यूमरेटर, और 15 को हम क्या कहेंगे डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हिंदी में हम बोलते हैं अंश और इसको हम हर बोलते हैं, ये भी थोड़ा जान लीजिए, हिंदी में भी इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। तो 6/15 एक पार्ट है। अच्छा, एक और चीज की जो फ्रैक्शन है उन्हें ना देखो, एक हिस्से देखो, ये जो एक जैसे 1 है, 1 और 2 है, तो ये एक तरह से क्या है, 1 और 2, ये 1 और 2 के ये कंप्लीट नंबर है, है ना, ये कंप्लीट नंबर है। अगर हम 1.1 लिखें तो ये फ्रैक्शन हो गया, ये 1 से लार्ज है लेकिन 2 से स्मॉल है, तो एक तरह से जो इनकम्प्लीट नंबर है वही एक तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन है, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर लाइन, हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन मैं यहां लिख लेता हूं, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर फ्रैक्शन ले लिया 3/5, एक ले लिया हमने 7/10, एक ले लिया हमने 4/9 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 11/12, इस तरीके से हमने ये 4 फ्रैक्शन ले लिए। अब ये 4 फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से देखिए किस तरीके से हम इन नंबरों इन फ्रैक्शनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ 0 लिख लेता हूँ, एक पॉइंट ले लिया 0। अब यहाँ देखिए 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3/5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 5 पार्ट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब है क्या, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, और ऐसे ही लिखते जा सकते हैं, हम आगे भी 4 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, 1 का मतलब है 1/5, इस वाले पॉइंट का, इसका मतलब है 2/5, इसका मीनिंग है 3/5, इसका मीनिंग है 4/5, और इसका मीनिंग है 5/5 पर डिवाइड करेंगे तो 1। ऐसे ही 5 के बाद 6/5, इसका मीनिंग है 6/5, इसका है 7/5, ये जो आएगा ये आएगा 8/5, फिर ये जो है ये 9/5, और ये जो रह जाएगा ये 10/5, है ना, 10/5, तो 5 से 10 कर ली तो 2 आ गया ना।
अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 अपॉन 5, तो 1 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, यानी ये जो पॉइंट है ये 3 अपॉन 5 को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5। आइए अब समझते हैं 7 अपॉन 10 को। फिर से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, है ना, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पे मैंने 0 नोट कर लिया। अब 7 अपॉन 10 तो मैं कितने पार्ट करने, 10, तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे हम 2 लिख देंगे, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। लेकिन हमें 7 अपॉन 10 चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, 1 अपॉन 10, 2 अपॉन 10, 3 अपॉन 10, ये हो गया 4 अपॉन 10, ये हो गया 5 अपॉन 10, ये हो गया 6 अपॉन 10, ये हो गया 7 अपॉन 10। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 7 अपॉन 10। ऐसे आगे लेके चले तो 7 के बाद 8 अपॉन 10, 9 अपॉन 10 और 10 अपॉन 10 यानी कि 1, 11 अपॉन 10, 12 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 16 अपॉन 10, 17 अपॉन 10, 18 अपॉन 10, 19 अपॉन 10 और 20 अपॉन 10। तो इस तरीके से हम आगे भी और भी फ्रैक्शन को जो भी हमें दिया हो तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसे भी मैं क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट नंबर को समझते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 4 अपॉन 9। अब 4 अपॉन 9 को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, तो 0 हो ही गया, फिर हमें कितने पढ़ने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां होगा 1, यहां होगा 2, कैसे हम करेंगे इसका, ये कितने एक यानी कि 0 से लेके 1 तक जो नंबर है उसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया, 9 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर पार्ट का मतलब है 1 अपॉन 9। फिर ये 2 अपॉन पार्ट, इसको बोलेंगे 1 अपॉन पार्ट, 1 अपॉन 9 इसको बोलेंगे, 2 अपॉन 9 इसको बोलेंगे, 3 अपॉन 9 इसको बोलेंगे, 4 अपॉन 9 इसको बोलेंगे, 5 अपॉन 9 इस तरीके से, है ना। तो यहां पे हमें 4 अपॉन 9 चाहिए, तो 1 अपॉन 9 इसे बोलेंगे 1 अपॉन 9, 2 अपॉन 9, 3 अपॉन 9 और ये हो जाएगा 4 अपॉन 9 यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 4 अपॉन 9, ये जो प्रेजेंट करेगा ये पॉइंट, ये 4 अपॉन 9। ऐसे ही अगला एक और है 11 अपॉन 12, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 0, अब हम कितने पार्ट करेंगे, 12 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब हमने 12 पार्ट कर लिए, तो 11 अपॉन 12 प्रेजेंट करना है, तो 1 अपॉन 12, 2 अपॉन 12, 3 अपॉन 12, 4 अपॉन 12, 5 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, 7 अपॉन 12, 8 अपॉन 12, 9 अपॉन 12, 10 अपॉन 12 और 11 अपॉन 12, तो ये जो प्रेजेंट होगा ये 11 अपॉन 12 होगा और ये क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 12 मीनिंग 1। ऐसे ही हम आगे भी इसके पार्ट कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि हम समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन में हम किसी भी फ्रैक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलो एक और टॉपिक को लेते हैं, समझते हैं कि उसे हम कैसे समझते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि 1/5 बोला उन्होंने, यानी कि 1/2 बोला उन्होंने, वो किसी ने बोला आपसे 1/2, तो 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 जैसे कि ये एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स को मैंने आप हाफ पार्ट में बांध कर दिया और इसे मैं सेट कर देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1/2, 1/2, 2, 1/2 का मतलब आधा, आधा मतलब हाफ, यानी कि 1/2 है ना, ये 1/2। ऐसे ही अगर किसने बोला 1/3, क्या बोला, 1/3, 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया, 1/3 है ना, 1/3, तो इसमें हमने क्या किया, 3 पार्ट कर लिए, 3 पार्ट करने के बाद हमने कुछ में शेडिंग कर दी, तो ये हो जाएगा 1/3 यानी कि जो शेडिंग वाला पार्ट 1/3। अगर किसने वो 4/5, 4/5, 4/5 को हम क्या बोलेंगे कि 4, अगर हमने क्या किया 4/5 है, हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने एक पार्ट कर लिए एक बॉक्स के 5 और उस हमसे बोला गया 4/5 इसको सेट करें, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2, इनको हम सेट कर लेते हैं 4 को, और ये जो सेट किए से हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 5।
तो 4/5 ही हुआ। ऐसे ही होता है कि 4/5 हो गया, 4/5 के बाद आप समझ लीजिए 6/5 भी बोल सकते हैं, 7/5 भी बोल सकते हैं, 1/3 भी बोल सकते हैं, 2/3 भी बोल सकते हैं, है ना। ये वाला जो पार्ट कहलाएगा वो 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही हम बोल सकते हैं 1/4, है ना। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4, यानी कि अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं इस तरीके से, इसमें 4 पार्ट कर दूं, 1, 2, 3, अभी 4 हो गए, और इसे मैं सेटिंग कर दूं, तो इसको बोलेंगे 1/4, यानी कि 1/4। तो आपको ये बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, 1/4 क्या होता है, 2/3 क्या होगा, ये 2/3 होगा, 4/5 क्या होगा, जिसके 4/5 हमने पार्ट कर दिए, 6/5 पूछ ले तो 6 आप करेंगे, सॉरी 5/6 पूछ ले तो आप 6 पार्ट करेंगे, तो उसके 5th को सेट कर देंगे, तो 5/6 हो जाएगा, 7/8, है ना। इस तरीके से आप अच्छे से समझ लीजिए, 1/2, 1/3, 1, इसी का ही एक रूप है। इसमें आप पहले सेट किया गया उसकी वैल्यू पूछिए, इसमें पहले बोल रहा है, उसके बाद आपको सेटिंग करके बताना है कि 1/4 क्या होगा, इस तरीके से। चलिए, आपकी अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, है ना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो मैं इम्प्रूव करूंगा, है ना। चलिए, अब ये बात भी क्लियर हो गई, वन को अब आते हैं अगले पॉइंट पर, कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन। देखिए, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन क्या है, जैसे समझो, जैसे मैंने यहां पर आपके सामने पहले से ही कितने ट्राइंगल बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही हैं, 5 ही हैं, 5 ही हैं और 5 ही हैं, क्लियर है ना। अब मैंने कहा कि आपको इसमें से, इस ट्राइंगल में से आपको 1/4 पार्ट कलेक्ट करना है, 1/4 पार्ट कलेक्ट करना है। तो 1/4 पार्ट कैसे कलेक्ट करेंगे, तो 1/4 पार्ट कलेक्ट करने के लिए आपको इसमें से ये 4 हिस्से में बांट देने हैं ट्राइंगल, जितने भी थे 20 उनके 4-4 के ग्रुप, मतलब 5-4 ग्रुप बना लेने हैं। तो एक ग्रुप में कितने ट्राइंगल आएंगे, 20 के अकॉर्डिंग 20 दिए हुए, तो 5 आएंगे, यानी कि ये ग्रुप बन जाएगा ये, इस तरीके से ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, इसमें कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ये ग्रुप ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 4 ग्रुप बन गया। अब 4 ग्रुप में 1/4 अगर कलेक्शन है, 1/4 लेने, तो हमें कितने इसमें ट्राइंगल लेने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, हमें कितने लेने होंगे, 5 ट्राइंगल इसमें लेने होंगे, ठीक है। अब हमने 5 ट्राइंगल ले लिए, तो अगर हमसे पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन, यानी कि 1/4 का कलेक्शन करिए, 20 ट्राइंगल दिए हैं तो 1/4 का कलेक्शन करिए, तो आप क्या करेंगे, आपने 5 ट्राइंगल ले लिया, पहले जितने ट्राइंगल थे उसको आपने ग्रुप बना दिए, कितने ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप बनाए, क्योंकि उसने 1/4 पूछा है, उनको इक्वल हमने 4 ग्रुप में बांट दिया और उसे हमने लिख दिया 1/4। लेकिन वो अगर आपसे ऐसे पूछे कि 1/5 कलेक्शन करिए, तो 1/5 कलेक्शन करने के लिए हमें इसके कितने ग्रुप बनाने होंगे, इसके हमें 5 ग्रुप बनाने होंगे, 1/5 बोलने के लिए, तो 5 ग्रुप में कितने आएंगे, देखो इस तरीके से हम इसके 5 ग्रुप बना सकते हैं, ये पहला ग्रुप हो जाएगा, उसके बाद ये वाला सेकेंड, इस तरीके से ये वाला सेकेंड हो जाएगा, है ना। ऐसे ये वाला थर्ड हो जाएगा, थर्ड ग्रुप हो जाएगा, ये वाला थर्ड हो जाएगा, ये वाला फोर्थ और ये फिफ्थ ग्रुप। तो ये एक, अब एक ग्रुप में कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 4, 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 ग्रुप बना लिया और एक ग्रुप में 4 ट्राइंगल आ रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं हम 1/5, इसमें कितने ट्राइंगल आएंगे, 4 ट्राइंगल, ठीक है। तो 1/5 को हमने, यानी कि 1/5 अगर हमें कलेक्शन करना है ट्राइंगलों को, तो इस तरीके से हम देखेंगे, ग्रुप में बांट देंगे और उसे आसानी से हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो चलो 20 है, अगर कोई ऐसे पार्ट है कि बहुत ज्यादा वैल्यू नंबर दिए, ग्रुपिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कैसे करें, हम कैसे कैसे पता करें कि 5 देने हैं। तो ये बात तो हमें पहले से पता थी कि 20 है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 कलेक्शन करने के लिए हमसे कहा है, तो उसमें हम 20 का मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो कितना हो जाएगा, 4, 5 + 20, यानी कि 5 आ गया, है ना। तो 5 आपको ट्राइंगल लेने हैं। ऐसे अगर आपको 1/5 को कलेक्शन करने के लिए कहा जाए, तो आप उसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 20 डिवाइड कर दीजिए, 5, 4 + 20, तो आपको कितने कलेक्ट करने, 4 कलेक्ट करने हैं। यहां पे 1/5 में 4 ट्राइंगल कलेक्ट करने हैं और 1/4 में 5 ट्राइंगल कलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि 1/2
ट्राइंगल इसमें कलेक्ट करिए। तो 1 अपॉन 2 को करने के लिए आप क्या सोचेंगे, 1 अपॉन 2 में भी आप 20 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए 2 का, 10 में करेंगे तो आपको 10 ट्राइंगल कलेक्ट करने, 1 अपॉन 2 यानी कि हाफ, अभी कहा था 1 हाफ यानी कि हाफ ट्राइंगल कलेक्ट करने, तो आप इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए 2 ग्रुप में, और 2 ग्रुप में देखिए यहां पे आधे हाफ हो जाएंगे यानी कि 10 ऊपर और 10 ही नीचे। तो इस तरीके से भी हम 1 अपॉन हाफ को कलेक्ट कर सकते हैं। हाफ को किस तरीके से कलेक्ट करना है, तो 10 ट्राइंगल आएंगे तो 10 हम ट्राइंगल ले लेंगे। तो अब आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कलेक्शन में क्या होता है, कि किस तरीके से हम कलेक्शन करते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। अगला पॉइंट है सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म टर्म है ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो अब मैं देखना है सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब हमें सिंपलेस्ट कोई फ्रैक्शन उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे नोट करते हैं, देखिए 3 अपॉन अगर 3 है तो ये तो 1 हो जाएगा ना, अगर मैं इसे 3 अपॉन 12 ले लूँ, 3 अपॉन 12 तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी क्या जाएगा 1 अपॉन 4। एक बात का ध्यान रखना, जिससे भी आप डिनोमिनेटर में डिवाइड दे रहे हैं तो उसी से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड देना है उसी नंबर से, और जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड दे रहे हैं उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में देना है। तो 3 अपॉन 12 तो आ गया 1 अपॉन 4, ऐसे ही हम ले सकते हैं 4 अपॉन 20 तो इसे हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 तो आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 1 अपॉन 5। ऐसे हम ले सकते हैं 16 अपॉन 20 तो 2 से डिवाइड करिए पहले, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 4 अपॉन 5। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन बन के आ जाता है जिस जब किसमें किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होता, 1 को छोड़कर दोनों, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोल देते हैं। अब आगे देखना है कि जैसे कि 2 अपॉन 8 तो 1 अपॉन 4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं 25 अपॉन 36 तो हम 5 से कैंसिल कर, वो सॉरी 25 अपॉन 35 तो हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 यानी कि 5.7। तो ये आपको समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखें आपको किसी एक ही नंबर से डिवाइड देना है ना कि किसी अदर नंबर से, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन हमने देख लिया है, और भी समझते हैं इसमें, और भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ 20 अपॉन 100 तो इसे हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 यानी क्या आएगा 1 अपॉन 5। ऐसे हम और भी ले सकते हैं 18 अपॉन 200 तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20, फिर 2 10 और फिर 2 5 यानी कि 2 अपॉन 5। तो आप देख रहे हो कि मैं एक ही नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, और मैं 2 से प्राइम नंबर 2 है, 3 से डिवाइड 2 से नहीं आ रहा तो 3 से चेक करें, 3 से नहीं आ रहा तो 5 से, 5 से नहीं आ रहा तो 7 से, 7 से नहीं आ रहा तो 11 से, इस तरह के नंबर से आप डिवाइड करके चेक करें, जनरली 2 3 5 से डिवाइड चले जाते हैं। अब देखते हैं, ये हम इसे क्लीन करते हैं, अगले पॉइंट पे जाते हैं। आई होप कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। अब चलो मैं इसे क्लीन कर देते हैं और आपको बताते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्वल मींस बराबर, जैसे कि 4 अपॉन 5 और 8 अपॉन 10 क्या इक्वल है, चेक करो, 4 अपॉन 5 तो पहले से ही इसी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देखिए उसे करें 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 तो 4 अपॉन 5 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं कि 4 अपॉन 5 और 8 अपॉन 10 इक्विवेलेंट है, आई बात समझ में ना। अब हमें क्या करना है, इसे और भी ले सकते हैं हम कि 4 अपॉन 6, 3 अपॉन 4 अपॉन 6 को हम ले सकते हैं 12 अपॉन 18, क्या इक्विवेलेंट है, चेक करते हैं, इसे हम कैन
कैंसिल करते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आएगा 2 अपॉन 3। इसे करिए आप 2 से 2, 6 जा 12, है ना, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी कि 2 अपॉन 3। तो 4 अपॉन 6 इक्वल 12 अपॉन 18, यानी कि ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, इनकी वैल्यू एक ही निकल के आती है। चलो एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इक्विवेलेंट कैसे है। ध्यान से देखिए, मैं एक बॉक्स, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, मैंने इसे टू पार्ट में डिवाइड, इसे शेडिंग कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1/2, ठीक है। फिर से देखिए, तो फिर से मैंने एक बॉक्स बनाया, अब की बार मैंने ये इसके फोर पार्ट किए, है ना, 1 2 3 4, इसके मैंने फोर पार्ट कर दिए। अब मैं टू पार्ट को शेडिंग कर देता हूं, तो क्या आएगा, 2/4, अब भी एक इक्विवेलेंट है, देख रहे हो। फिर से मैं एक और पार्ट इनका बनाता हूं और फिर से मैं इनको क्या कर देता हूं, अब की बार मैं इनके और पार्ट कर देता हूं इस तरीके से, और फिर से मैं शेडिंग करता हूं, वही आप देख रहे हो कि शेडिंग इक्वल ही हो रही है हर पार्ट में। देखो यहाँ भी इतना ही पार्ट है शेडिंग का, यहाँ भी उतना ही और यहाँ भी इतना ही, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4/8, 4 की शेडिंग की हुई। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं। हम एक और ले लेते हैं आपको समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं, मैंने ये लिया है ना, और ये इस तरीके से अब मैं एक एक पार्ट और इनका कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक एक, ठीक है ना, और मैं यहां से शेडिंग कर देता हूँ। अब ये कितने हो गए होंगे, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8/16। ऐसे ही आप और भी तरीके से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप हाफ पार्टी सेटिंग हो रहा है, तो लिखने के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन आपस में है ये इक्विवेलेंट। तो आपको अब मेरी बात इक्विवेलेंट के बारे में समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे कैंसिल करेंगे, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 2, है ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16, या आप देखेंगे हर बार 1/2 1/2 1/2 1/2 है। अब आप इन फिगर पे थोड़ा देखिए, इन फिगर को क्या ये आपको इक्विवेलेंट नजर आ रहे हैं, ये और ये, आप ध्यान से देखिए। इस 1/4 अगर शेडिंग को देखें तो 1/4, इसको क्या लिखेंगे हम, 2/8, क्योंकि 2 की शेडिंग हो रखी है, यहाँ भी 2 की शेडिंग है, तो 2/8, है ना। ऐसे कैंसिल करिए तो 1/4, ये भी 1/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये और ये इक्विवेलेंट है, एज ए शेडिंग वाले पार्ट पोर्शन इक्विवेलेंट रहेंगे। 1/4 इसकी वैल्यू हुई है, 1/4 इसकी वैल्यू हुई है, इसकी वैल्यू भी 1/4 है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है ना। अब हम अगले पॉइंट को समझते हैं, अगला पॉइंट क्या है। तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं और उसके बाद आपको अगला पॉइंट समझाते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अब देखते हैं लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एंड नल लाइक फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे इनको देखिए आप, 3/7, 4/7, 8/7 और 6/7, जिनके डिनोमिनेटर सेम, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन होंगे। और जिन और ये जो फ्रैक्शन लिख रहा हूं, ये क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है ना। और 4/5, 6/7, 3/10, 4/13, ये जो फ्रैक्शन होंगे ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, है ना, अनलाइक। ओके, क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, यहाँ भी सेवन, यहाँ भी सेवन, यहाँ भी सेवन, यहाँ भी सेवन, यानी कि सभी डिनोमिनेटर सेवन है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन, और सभी डिनोमिनेटर अलग अलग है तो अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है। चलिए अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपके सामने बताता हूं कि अनलाइक अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं इसे क्लीन कर दूं, ठीक है ना,
ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4, 2/ हम लिख लेते हैं 2/6, 2/6 के अलावा हम लिख लेते हैं 3/5, है ना, और एक और ले लेते हैं हम 4/12, है ना, तो 1/3 यानी 4/12 ले सकते हैं, या 4/10 ले लें, ज्यादा अच्छा है। तो हमने ये ले लिए 1/4, 2/6, 3/5 and 4/10, ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, है ना। आप ये कैंसिल कर सकते हो, 2/10 हो जाएंगे, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 5/10, 5/10, अब तो ये नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इसे 10 कैंसिल कर देते तो ये दोनों अनलाइक हो जाते, ये 1/3 आ जाएगा, है ना, 1/4, 3/5, 5/10, 1/2, तो अब ये एक तरह से सभी के सभी अनलाइक फ्रैक्शन है, इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम ला देंगे। सेम कैसे लाएंगे कि हम 4, 6, 5, 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4, 6, 5, 10 हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 में जाएगा नहीं, तो 5 को ऐसे नोट कर लेंगे, 2 5 जा 10, फिर से 2 का देंगे क्योंकि 2 का जा सकता है, यहाँ 2 1 जा 2, फिर 3, 5, 5, फिर 3 से देंगे हम, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 में नहीं आएगा, 5 में नहीं जाएगा, उसके बाद हम 5 से देंगे तो 1, 1, 1, 1, तो LCM आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, है ना, 4 3 जा 12, 12 × 5 यानी कि 60, है ना, हो गया ना। अब 60 एलसीएम आ गया, तो अब हम 60 एलसीएम लेंगे, तो 1/4 को हम यहाँ पे 16 से डिवाइड करते हैं एक तरीके से, यानी कि 4 का 16 में डिवाइड करेंगे, तो कितनी टाइम जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 4 का 16 डिवाइड करेंगे, 15 टाइम, तो यहाँ 15 लिख देंगे, 6 का 16 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 टाइम, 10 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20, 5 का 16 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 12 टाइम, 12 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 10 का 16 डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, है ना। अब हमें से अलग लिखेंगे 15/60, 20/60 एंड 36/60 और 30/60, तो अभी क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन, है ना, एफ आर ए लाइक फ्रैक्शन, ये पहले क्या थे, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपने देखा कि अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हम पता करेंगे, जैसे हमने लिखा है 2/3 और 4/5, इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, कैसे पता चले, है ना, कंपैरिजन कैसे होगी, कौन सा लार्ज है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो चलिए इसके लिए एक सिंपल तरीका है, तो या तो आप कैसे करेंगे, हम इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जो है वो 5 और 3 का एलसीएम लीजिए आप अलग से, 5, 3 एलसीएम लिए, एलसीएम क्या आएगा, 3 का देंगे तो 5, 1, 5 से देंगे तो 1, 1, यानी कि 3 5 जा एलसीएम आ जाएगा 15, तो मैं यहाँ 15 लिख लूंगा, कॉमा लगाऊंगा, 3 का 15 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 का देंगे 15 में 3 टाइम, 3 4 जा 12, अब आएगा 10/15 और 12/15। तो अब यहाँ देखिए, अब आप न्यूमरेटर को देखिए, जो न्यूमरेटर नंबर लार्ज है वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि ये लार्ज 12/15, तो अब हम वापस लिख सकते हैं 2/3 लेस देन, है ना, 4/5, ठीक है, यानी कि 2/3 स्मॉलेस्ट है 4/5 से, तो कंपैरिजन ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीका है कंपैरिजन करने का, मल्टीप्लाई करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने 5 का इसमें किया मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, है ना, तो ये जो 12 आ गया ना, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2/6 और 3/4, अब इसमें हम किस तरीके से कौन सा नंबर ला देता हूँ करेंगे, 4 2 जा 8 या 8 आ गया, 6 3 जा 18, ये 18 आ गया, तो हम कह सकते हैं 2/6 is less than 3/4, यानी कि 18 नंबर, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन
लार्ज होगा, ग्रेटेस्ट होगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस तरीके से करें, ज्यादा बेहतर तरीका, ये समय लग जाएगा। एलसीएम लेके कोई भी फ्रैक्शन हो आसानी से आप उसको कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉलेस्ट है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और भी देख लेते हैं, अगर कोई हमसे ही पूछ ले कि जैसे कि अब ये देखिए, चलिए अगर हमसे पूछा जाए कि डिसेंडिंग ऑर्डर हम किस तरीके से करेंगे, तो हम एक कुछ फ्रैक्शन ले लेते हैं 2/3 है ना, 4/5 है ना, और हम ले लेते हैं 3/10 है ना, और ले लेते हैं हम 1/4। तो हमने ये कुछ फ्रैक्शन ले लिए, अब हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 3, 5, 10 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं कि एलसीएम क्या आएगा, देखिए जरा। हम सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो ना 3 आएगा या 5 आएगा, 2 5 10 और 2 2 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 भी है, 3, 5, 5 2 बन जा 2। फिर हम 3 से देंगे तो आएगा 1, 5, 5, 1। और फिर हम 5 से देंगे आएगा 1, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 2 × 2 × 3 × 5 है ना। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 तो कैल्शियम आएगा 60 है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 60 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 और 10 × 6 = 60। अब देखिए यहाँ कैसे, हमने यहाँ क्या किया, 16 नोट कर लिया ठीक है ना। अब 3 का 16 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 times 3 × 20 = 20 times और 20 का मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे 20 का मल्टीप्लाई करके लिख लो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40 ठीक है, कॉमा लगा लीजिए। 5 का 16 में डिवाइड करिए कितनी बार जाएगा, 15 टाइम, तो 15 यहाँ लिख लीजिए ठीक है ना। 5 का 16 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 टाइम जाएगा, नहीं 15 टाइम नहीं जाएगा सॉरी, 5 का 16 में डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा है ना, और 12 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 4 = 48। अब 10 का 16 में हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18। और 4 का इसमें 16 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, यहाँ पर जाएगा 15 टाइम, तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 15। अब इसको इसी तरह नोट कर लेंगे, 14/16, 48/16, 18/16 और 15/16। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब लाइक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग इसे लिख देंगे, सबसे लार्ज न्यूमरेटर कौन सा है, 48/16 है ना। फिर इससे स्मॉल कौन सा है, देखो 14/16 ठीक है, 60 और 40/60 हो गया। उसके बाद इससे स्मॉल देखेंगे, 40/60 से स्मॉल है 80 ओके, इससे स्मॉल रहेगा 15/60। तो इस तरीके से हमने ये आसानी से इनको हमने फ्रैक्शन कर लिया। अच्छा, अब 48/60 को हम क्या लिख रहे हैं, 4/5, तो हम फिर से लिख लेंगे 4/5। फिर 40/60 को हम क्या लिख रहे हैं, 2/3, तो हम लिख लेंगे 2/3। उसके बाद 18/60 को हम क्या लिखेंगे, देखो कहाँ है, 3/10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10। फिर 15/60 को क्या लिखेंगे, 1/4, तो लिखेंगे 1/4। इस तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कर लिया, पहले लार्ज, फिर स्मॉल और फिर स्मॉल। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आपकी समझ में आ चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, वो भी देख लेते हैं, वो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन।
सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लीजिए कि जब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a अपॉन b के फॉर्म में, तो यहां b इज ग्रेटर देन a है, तो हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 अपॉन 6, 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 11, 5 अपॉन 13, 6 अपॉन 17, है ना, 2 अपॉन 11, इस टाइप की ये सभी के सभी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको चीज समझ में आ गया होगा। इन प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? इम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे समझिए, जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल डिनोमिनेटर, यानी कि आप न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि अगर हम कहें a अपॉन b कोई फ्रैक्शन है, तो हम लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन, a बड़ा है b से और इक्वल भी हो सकता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम कहेंगे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि 5/3, 4/3, 6/5, 11/3, 16/17, 9/9, है ना, 13/13, 14/14, तो इस टाइप के फ्रैक्शन भी ये कह जो फ्रैक्शन कहलाएंगे सभी के सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, जिसमें ये भी समय 9/9, 13/13 और 14/14, तो ये क्या हो गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक कॉम्युनिकेशन होता है इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, अगर कॉम्युनिकेशन मिल जाए तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। इंटीजर में क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं माइनस के नंबर होते हैं, माइनस हम ले सकते हैं डॉट 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 -4, -3, -2, -1, यहाँ इस डॉट डॉट का मीनिंग ये है कि -5 आएगा, फिर -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा, -9 आएगा, -10 आएगा, ये चलता जाएगा ऐसे ही, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी आएंगे ऐसे ही, डन होते जाएंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो इन्वॉल्व हैं, ये इंटीजर हैं, इनका और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्युनिकेशन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे हम लिख सकते हैं 3/4/5, तो ये 3 इंटीजर हो गया, 4/5 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो ये क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6/3/7, ये भी क्या है? ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, 6/7/11, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये माइनस भी हो सकता है ना, ये माइनस भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, जो -3, -2, एक्चुअल में क्या होता है कि 6/7/11 को लिखा वास्तव में कैसे जाता है देखिए जरा, 6/7/11, ये रियलिटी होती है ना, 6/7/11 की रियलिटी क्या है? 6/7/11, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 6 में, फिर 7 ऐड करेंगे तो वापस यही आए, ये बात आ जाएगी। बना कैसे सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसके जरिए से इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 11/3, तो 11/3 का 11 डिवाइड करिए कितनी टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो 3 3 जा 9, अब 9 11 12 9 10 11, यानी कि कितना रहेगा, 2 2/3। तो अब देखिए इम प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या बना? मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 होल 2/3, अब 3 3 या 9 9 और 2 11, अब ये 2/3 क्या है? 2/3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और 3 क्या है? 3 एक इंटीजर है ना, तो आसानी से हम इम प्रॉपर फ्रैक्शन से अब प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं, है ना। कोई भी आप यहाँ देख लीजिए, जिसमें से जैसे 4/3 है, 4/3 हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3 1 जा 3 1/3, तो आप देखिए 3 1 जा 3 3 और 1 4, तो ऐड हो रहा है ना, 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई किया और 1 4 4/3, तो ये जो पोर्शन, ये 1/3 क्या है? 1/3 है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन इंटीजर मिलके क्या बन गए?
बन गए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन का जो ये पार्ट है जो आज जो हमने लेक्चर लिया है ये आपका आज कंप्लीट होता है। इससे आगे भी हम सीखेंगे फ्रैक्शन में, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये फ्रैक्शन में हम सीखेंगे। साथ साथ मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक फाइल अटैच कर दूंगा, उस फाइल में इसी टाइप के क्वेश्चन भी दिए होंगे, उनको आप जरूर करें। इससे आपका मैथ में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना मैथ आपका अच्छा होता जाएगा। साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से समझना जरूरी होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।